भाई डॉग स्पीड आप लोग को इंडिया में बहुत सारी मिल जाएंगी, नो डाउट। आप लोग कहीं से भी कोई भी डॉग स्पीड ले सकते हो, लेकिन भाई कुछ डॉग स्पीड ऐसी हैं जो काफी फेमस हैं एंड मोस्ट लोगों के पास आप लोगों को सिर्फ वही डॉग स्पीड देखने को मिलेंगी, क्योंकि भाई उनकी कुछ अलग अलग खूबियां होती हैं। जैसे कुछ अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं, कुछ काफी मस्कुलर होते हैं और कुछ बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग्स। तो हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, कोई अग्रेसिव डॉग चाहता है तो कोई फैमिली डॉग ब्रीड। बाकी आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ ये एक बहुत ही फेमस डॉग ब्रीड है जिसका नाम छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है, जो है रॉटवेलर। जी हां गाइस, इस रॉटवेलर को परचेज करके आप लोगों को काफी अच्छे फायदे हो सकते हैं अगर आप लोग ब्रीडिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हो या फिर फैमिलीज में रखना चाहते हो। दोनों ही ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो पहले तो आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ये रॉटवेलर एक फीमेल है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, और इसके साथ आप लोगों को इसके पेपर्स भी मिल जाएंगे क्योंकि भाई ये रॉटवेलर केसी रजिस्टर्ड है। वैसे ओनर इस रॉटवेलर को किसी प्रॉब्लम की वजह से सेल नहीं कर रहे भाई, कुछ अलग ही रीजन है जिसकी वजह से उन्हें सेल करनी पड़ रही है। और रीजन ये है कि जहाँ पर ओनर रहते हैं ना वहाँ पर कोई अच्छी क्वालिटी का डॉग नहीं है जिसके साथ वो इसकी मैटिंग करा सके, और इस वजह से अभी तक इस फीमेल ने एक बार भी पपीज को जन्म नहीं दिया क्योंकि भाई उन्हें कोई अच्छी क्वालिटी का डॉग ही नहीं मिला यार। वैसे फीमेल को लास्ट टाइम हीट पर आए हुए 2.5 महीने हो चुके हैं, तो 1.5-2 महीने में ये फिर से हीट पर आ जाएगी। अगर आप लोगों के पास अच्छी क्वालिटी का डॉग है तो आप लोग बेफिक्र होकर इसकी मैटिंग करा सकते हैं। वैसे उन्होंने मुझे ये भी बताया कि काफी अच्छी ब्लड लाइन से भी है। वैसे इस फीमेल इतनी ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं है और इतनी ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं है, सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही बढ़िया है और उन्होंने इसके ऊपर एक्सचेंज ऑफर भी रखा है। वैसे उन्होंने कहना कि वो सही में इसकी पेयर के साथ इसे एक्सचेंज भी कर लेंगे, बट भाई इसके बारे में आप लोग उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई और डॉग ब्रीड भी और आप लोग एक्सचेंज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग डिस्कस जरूर करें। और गाइस एक चीज और मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप लोगों को बाय चांस इस डॉग ब्रीड का या किसी भी डॉग ब्रीड का प्राइस अगर आप लोगों को ज्यादा लगता ना तो भाई एटलीस्ट आप लोगों को डॉग ओनर से एक बार कॉन्टेक्ट तो जरूर करना चाहिए भाई, क्या पता कितना प्राइस कम हो जाए और आप लोगों के बजट में आ जाए। बाकी रॉटवेलर एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिन्हें आप लोग कभी भी सेल या कभी भी परचेज कर सकते हो क्योंकि काफी पॉपुलर डॉग ब्रीड है सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में, और ये समझदार भी काफी होते हैं भाई। और इस चीज का अंदाजा आप लोगों को इस बात से लग जाएगा कि इन्हें पुलिस वर्क आर्मी जैसे कामों में भी यूज किया जाता है। बाकी गाइस वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूं, बट फिर भी अगर कुछ रह गया हो ना तो आप लोग डॉग ओनर से हर एक चीज को क्लियर करने के बाद ही इसे परचेज करें। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता हूं। तो अगर इस फीमेल की एज के बारे में बात करें तो फीमेल नियर हीट है और ये 2 साल की हो चुकी है, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है वासिम महाराष्ट्र से। एंड दोस्तों डिलीवरी में आप लोगों को ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे, अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है डायरेक्ट ओनर को विजिट करके इसे परचेज करना तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते, आप लोगों को डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसके ऊपर आप लोगों को एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है और ओनर इसे सेल भी करना चाहते हैं। तो फीमेल जो है ये नियर हीट है और केसी रजिस्टर्ड है, तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है भाई वो 20,000 रुपीस यानी 20,000 रुपए, लेकिन प्राइस फिक्स नहीं है, आप लोग बार्गेनिंग करके प्राइस और भी कम करा सकते हो। बाकी आप लोगों को फीमेल की क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।